अरे भाई सुन, ये सारा जेलर किसकी फोटो पे माला चढ़ा रहा है? तुम्हें नहीं पता? अरे ये शहीद भगत सिंह है, इन्होंने हमारी आजादी के लिए बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था, आज उनकी जयंती है भाई। अब साली यही माला पूरे साल इस तस्वीर पर रहेगी। ये भगत सिंह ने किया क्या था? अरे ये बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, ये हमारी आजादी के लिए फांसी तक पर लटक गए थे, तुम लोगों को नहीं पता? सुनोगे, बात जो है 1928 की है। अरे सुना है भगत ने बम फोड़ दिया? हाँ उसने पार्लियामेंट में बम फोड़ा। हाँ यार फोड़ा तो है। अरे भगत आ गया। अरे कैसा है भगत? अच्छा हूँ यार। अरे भगत कैसा? अच्छा हूँ। बड़े दिन बाद मिल रहे। हाँ यार। अरे कितना पतला हो गया भगत तू। अरे हाँ यार तुम नहीं थे ना। अरे कैसा शोर है ये? कैदी आया है, कोई नेता नहीं। इस विरंगी हुकूमत के गुलाम नहीं है हम। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। चलो लगो खाने के लाइन में, भूखे मरोगे वरना। ये इंसानों का खाना है? ये जेल है, तुम्हारा घर नहीं, यहाँ यही खाना मिलेगा। क्या हुआ भगत? मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। खाना नहीं खाएगा? बावला हो गया क्या? इन भूले कुत्तों से हमें ऐसे ही खाने की उम्मीद है? ये देश हमारा है, उनका नहीं। बाहर से वो आए हैं, हम नहीं। खाने में देखो चूहे दौड़ रहे हैं, पानी ऐसा कि मवेशी भी ना पिए। कपड़े देखो साफ नहीं देते हैं ये, ना पढ़ने के लिए अखबार देते हैं। हमें जानवरों की तरह जीने के लिए मजबूर कर दिया है इन्होंने, हम नहीं जी सकते ऐसी जिंदगी। बड़े आए, खाना नहीं खाओगा, खाना नहीं खाएगा तो मर जाएगा। यहाँ यही मिलता है और यही मिलेगा। हम सुन ली बात तुम्हारी सरकार ने, अगर ऐसा है तो मैं भूख हड़ताल करूंगा। अगर नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगा। अरे नहीं यार, ये लड़ाई मेरी है यार। नहीं ऐसा है तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। तो फिर ठीक है, हम सब भूख हड़ताल करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। तो अब तो नहीं भूलोगे ना शहीद भगत सिंह को? ना जाने कितने क्रांतिकारी फांसी पर लटके, कितनों ने अपनी जान दी, तब जाकर आजाद हुआ है हमारा देश और बदली है इन जेलों की व्यवस्था। क्या खाक बदली है? तुझे पता है सारी की सारी व्यवस्था तो इन हुक्मरानों ने खरीद ली है। जितने भी कायदे कानून हैं हम गरीबों के लिए हैं, और जिनके पास पैसा है उनके लिए कोई कायदे कानून नहीं है। और ना खाने को स्वच्छ खाना है, ना पीने को स्वच्छ पानी है। और पता है क्या होता है? कोर्ट तो सुनवाई करती नहीं है, बस तारीख जरूर देती है। अरे ऐसा नहीं है भाई, अब हमारा देश स्वतंत्र हो चुका है। बात सिर्फ इतनी है कि तुम्हें हमारे संविधान और हमारे कानूनों से मिले अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं है। अब उदाहरण के तौर पर भारतीय दंड प्रक्रिया की धारा 436 को ही ले लो, जिसके अनुसार जो अंडर क्राइम प्रिजनर होता है, यानी कि वह कैदी जिसका मामला अभी कोर्ट में लंबित है, उसे कोई भी कोर्ट उसके ऊपर लगे आरोप के में जो भी सजा दी गई है उसके आधे समय तक ही जेल में रख सकती है, उसके बाद उसे मुचलके पर या बेल पर छोड़ना पड़ता है। तो 7 साल समय क्या है, ऐसे ही बैठा हूं। और तो और, पुलिस जब भी किसी आरोपी को किसी भी अपराध पर गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। हमारे कानून ने हमें
साफ पानी, अच्छे खाने का अधिकार दिया हुआ है और तो और न्यूनतम मजदूरी का भी अधिकार है। तुम्हें पता है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर व्यक्ति को अपनी गरिमा और स्वाभिमान को बनाए रखने का अधिकार होता है और स्वाभिमान के साथ जीने का हक होता है। और तो और विधिक सेवा प्राधिकरण गरीबों, असहायों, विकलांगों और ऐसे लोगों की मदद के लिए है जिन्हें विधिक सहायता की जरूरत होती है। मैं मानता हूँ कि हमारी कानूनी प्रक्रिया थोड़ी जटिल है, परंतु हमारी कोर्ट और हमारी सरकार हर दिन हमारे कानूनी प्रक्रिया को और कानून को आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। जरूरत है तो हमें अपने अधिकारों के बारे में पता होने की। अधिकार सिर्फ कागजों पर है, हालात आज भी वही है जो भगत सिंह के वक्त था। खाना और पानी तो आप जानते हैं भाइयों, ये देखो कपड़े, ये है हमारे अधिकार। न साफ कपड़े, न समय पे इंसाफ, सारों निकल जाते हैं इंसाफ पाने। हमारे अधिकारों का जो हनन होता है ना, उसके खिलाफ भी हमारे पास हथियार है। जैसे कि हम अपनी मांगों को लेकर, अपनी शिकायतों को लेकर मानव अधिकार आयोग के पास जा सकते हैं। जिस तरह भगत सिंह ने उस समय इंकलाब करकर उस पहली सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाई थी, उस तरह हमें भी एक इंकलाब करना होगा कि हम अपने अधिकारों की आवाज सब तक पहुंचाएं। इंकलाब? अब ये इंकलाब कौन सा मरा हुआ कानून है यार, इसका मतलब तो समझाओ। इस बार इंकलाब का मतलब होगा बदलाव। तो क्या तुम लोग इस इंकलाब में मेरा साथ दोगे? इंकलाब जिंदाबाद।